आलस मिटाने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमें आलस क्यों आता है, इसकी शुरुआत कहां से होती है। देन आप खुद ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि इसे कम कैसे करना है। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। अधूरी छोड़ने से आपको एग्जैक्टली मुझे आपको जो समझाना है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। सो या तो अगर आपको जानना है अच्छे तरीके से कि आलस क्यों आता है, क्यों समझ आ गया, तो अब आलस को कंट्रोल करना आपके हाथ में है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, वो भी पूरे ध्यान के साथ में। जब भी आप सुबह उठते हो, उठते ही जब आपका दिन फोन यूज करने में, नोटिफिकेशंस चेक करने में, चैटिंग करने में या फिर यूजलेस यूट्यूब वीडियोस देखने में जाता है, तो ये अनहेल्दी हैबिट है। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, आपको कोई भी पहला टास्क करना है, कोई भी अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट करना है, जो सबसे बेस्ट है उठते ही अपना बेड सही करो। उठने के एक घंटे तक फोन देखो ही मत, उठने के एक घंटे तक देखो ही मत कि आपका फोन कहाँ पड़ा है। या तो रात को फोन को चार्ज ही मत करो, रात को उसे 10 या 15% तक रहने दो, सुबह तो वो 5% हो जाएगा, तब आपको फोन को यूज करने की इच्छा ही नहीं होगी। फोन इसलिए यूज नहीं करना है बिकॉज किस तरह से फोन और सोशल मीडिया से आपका आलस बढ़ता ही जा रहा है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये कितनी डेंजरस हैबिट है। सो वॉट यू नीड टू डू, आपको उठते ही फर्स्ट टास्क कंप्लीट करना है, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा अगला टास्क कंप्लीट करने के लिए। जब हम एक कोई अचीव कर लेते हैं, तब नेक्स्ट जो है उसे अचीव करने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप फर्स्ट टास्क को कंप्लीट होते हुए देखोगे, बिलीव मी आपको सेकंड टास्क करने में थोड़ी सी आलस आएगी, बिकॉज जब कोई भी काम हम अपने हाथों से पूरा कर देते हैं तब एक हैप्पीनेस मिलती है, और हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो हमेशा हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स की तरफ जाएगा, खुशी वाली फीलिंग्स की तरफ जाएगा, और आपको सेकंड टास्क को करने के लिए मोटिवेट करेगा। इस तरह से सेकंड टास्क भी डन, तीसरी बार में आपका आलस बिल्कुल गायब, फिर एक और। और ऐसे जब रात को आप सोने जाओगे, आप खुद काउंट करोगे, मैंने आज इतने काम कर दिए, इतने टास्क कंप्लीट कर दिए। जब पहला दिन अच्छा गया, आपको हैप्पीनेस मिली, आपको खुशी हुई कि मैंने आज पूरे दिन में बहुत सारे काम किए, आज पूरे दिन में मैंने कोई आलस नहीं किया और अच्छे से सब टास्क कंप्लीट कर दिए, इसको बोलते हैं ब्रेन में डोपामिन का रिलीज होना, फिर वो चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाएगी और फिर वो आप बार बार करोगे। नेक्स्ट डे आप मोटिवेटेड रहोगे, आपका ब्रेन आपको उस तरफ ले जाएगा, उस हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा फिर से जो आपने कल फील की थी। ऐसा आपका दूसरा दिन भी अच्छा गया और फिर तीसरा भी, और ऐसे करते हुए आपका आलस बिल्कुल ख़त्म, घंटों से दिन, दिन से महीने, और कब आलस आपका जड़ से मिट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो टास्क के ख़त्म होने की खुशी में हो गए। आपने कभी नोटिस किया होगा, लोग जिम को बीच में ही छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि बॉडी पर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब बॉडी पर रिजल्ट्स दिख जाए तो वो उसे कंटिन्यू रखते हैं। तो ये प्रूव करता है, जो कि हम सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है, कि हमें आगे से आगे काम करने का मजा तब आता है, यानी हमारा आलस कम तभी होता है, हम किसी काम को लेकर एक्साइटेड तब होते हैं जब हमें उसमें रिजल्ट्स मिलते जाते हैं। लेकिन कितना अच्छा जो मैंने बताया, उसमें रिजल्ट्स के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ रहा है, आपको बस सुबह जल्दी उठकर फर्स्ट टास्क कंप्लीट करना है। उसे कंप्लीट करने के जस्ट बाद आपको फील आएगा कि मैंने एक टास्क कंप्लीट कर दिया है, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा करोगे, ऐसे से आप पूरे दिन लगातार टास्क कंप्लीट करते जाओगे। ऐसे में जब आपका ये जम जाएगा, यानी जब ये मोमेंट जम जाएगा, तब साइकोलॉजिकली आपके साथ क्या होगा कि आप इस सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहोगे, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है, हर टास्क सही कर रहे हो, तो आपके अंदर आएगा कि ये एक काम मैं आलस क्यों करूँ। आपको फिर पिछली मेहनत का वेस्ट जाने का डर होगा, अब आप आलस नहीं करोगे किसी भी काम में। ये कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो स्कूल्स में स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया जाता, जबकि आलस आने का एक्चुअल रीज़न स्टूडेंट्स को बताए और उसका इलाज खुद करे, तो स्टूडेंट्स कितने एक्टिव होकर पढ़ेंगे। और मैं भी इसी वजह से इतने अच्छे तरीके से बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी लाइफ में किसी वक्त बहुत आलस किया था, मैंने ये सब ऑब्जर्व किया, मैंने खुद खेल को समझा और फिर उसके बाद में इसका सोल्यूशन निकाला। और आज जो बोल रहा हूँ, आप एक एक बात को अपनी लाइफ से जोड़ रहे होंगे, तो जब भी आलस आए आपको इसके आने का उसका रीज़न जो है वो फाइंड आउट करना है, और जब फर्स्ट टास्क वाला स्टार्ट करोगे आपको बार बार नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करने का कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा,
फिर आपको आलस नहीं आएगा। आप आराम जरूर करोगे बीच बीच में, जो कि करना जरूरी भी है, पर इतना आलस नहीं करोगे जितना पहले करते थे। हमारा ब्रेन बॉडी की तरह काम करता है। जिस तरह से बॉडी की एक्सरसाइज होती है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती है। कोई अगर फर्स्ट डे 10 पुशअप्स लगाता है और उसके बाद थक जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे वो रोज एक्सरसाइज करता है तो वो 20 तक आ जाता है, फिर वो 20 पुशअप्स करके थकता है। तो जब आप अपने ब्रेन के साथ भी ऐसा करोगे, आप टास्क कंप्लीट करते जा रहे हो, तब ब्रेन पावर बढ़ती जाती है। धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं कहूँगा, कुछ ही दिनों में, यानी 20-30 दिनों के अंदर अंदर आप अपने ब्रेन का पहले से ज़्यादा यूज़ करोगे। आपका दिमाग सुस्त नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जिस तरह से जिम जाते वक्त बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो, इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, तो कमेंट करके मुझे ये जरूर बताओ कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले अगली वीडियो को और अच्छे से बनाने में। थैंक यू सो मच गाइस, मैं आपकी कमेंट का वेट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपके एक शेयर करने से हो सकता है इस वीडियो के बाद में कोई अपने आलस को कंट्रोल करेगा और उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाए, सिर्फ आपके एक शेयर करने से। तो अभी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में। आपके एक शेयर करने से किसकी कितनी हेल्प हो सकती है ये आप नहीं जानते। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।